Welcome in DSCJ Tele Classes, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education, Jammu. Myself, Paramprit Singh, teacher, District Poonch, welcome you all in this session. And dear student, today I am going to discuss with you chapter pertaining to class 9 biology, that is Improvement in Food Resources, part 2. As far as learning objective of this module is concerned, dear student, after studying this module, you are able to know about the mineral replenishment methods. What are the minerals that are essential for the crop production? ये हमें अपने previous जो है lesson में देखा था. आज हम जो है typically जो है mineral replenishment के बारे में पढ़ेंगे. Methods of mineral replenishment, जिसमें पर्टिकुलरली हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम डिस्कस करेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न विद इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशंस के बारे में, उनकी एडवांटेजेस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरीगेशन एंड वेरियस इरीगेशन मैथड्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा डियर स्टूडेंट. स्टे फोकस. जैसे हमने अपने प्रीवियस जो है लेक्चर में बात की थी इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, और हमने देखा था कि थ्री मेन एक्टिविटीज दैट कैन लीड्स टू इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स. उसमें हमने टिपिकली जो है क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात की थी, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स को डिस्कस किया था, जिससे हम क्रॉप की वैरायटी को जो है इंप्रूव कर सकते हैं. देन कॉम्स द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कैसे हम उस क्रॉप की प्रोडक्शन को जो है इनहांस कर सकते हैं. इसमें स्पेसिफिकली हमने बात की थी मिनरल न्यूट्रिशंस की, तो आज उसी को हम जो है एक्सटेंड करने वाले हैं. जैसे हमने मिनरल न्यूट्रिशंस में देखा था कि प्लांट रिक्वायर एसेंशियल एलिमेंट्स, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, दैट इज माइक्रो एलिमेंट्स एंड द मैक्रो एलिमेंट्स. तो उसी को हम एक्सटेंड करेंगे आज. जैसे कि हमने जो है प्रीवियस स्टडी किया था कि न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पर डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, कंटिन्यू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सॉइल. जैसे हम कंटिन्यूसली जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, उसकी वजह से जो है सॉइल में मिनरल कंटेंट जो है डिप्लीट हो जाता है, मींस डिक्लाइन हो जाता है. So it is necessary that every farmer should give the soil essential nutrients. तो ये एक ड्यूटी बनती है, ये एक जो है ऑब्लिगेशन बनती है कि सॉइल को जो है एसेंशियल न्यूट्रेंट्स जो है हम प्रोवाइड करें, ताकि हमारी क्रॉप जो है उसको मिनरल डेफिशिएंसी ना हो और हमारी प्रोडक्शन जो है हाई रहे. अब बीइंग ए फार्मर जो है, कैसे हम जो है उसको जो है मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अपनी क्रॉप्स को, थ्रू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द यस मेथड्स. एक्सटर्नल एप्लीकेशन से जो है मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, एंड दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर. अब दो चीजें निकल के आई, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर. अब मैन्यूअर क्या है डियर स्टूडेंट? मैन्यूअर्स आर द सब्सटेंस. मैन्यूअर को हम जो है लोकली जो है खाद भी कहते हैं. मैन्यूर बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट. जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट, जो लाइफ स्टॉक का काउ डंग है, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड जो भी वेजिटेबल वेस्ट जो हमारे हाउस से निकलता है, सीवेज निकलता है, उसको जब हम डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से उसको जो है डीकम्पोज करते हैं, एंड इट इन टर्न प्रोवाइड द वैल्यूएबल न्यूट्रेंट्स टू द सॉइल. सॉइल को वो न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करता है. और जनरली ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब भी उसको हम डंप करते हैं एनिमल एक्सक्रीटा को, जैसे आप यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, तो एनिमल एक्सक्रीटा को डंप करते हैं, तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अटैक करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं. और डीकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है कि जो उसमें जो है
मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो साइल में इनकलकेट हो जाते हैं और देन इट इज अवेलेबल फॉर अवर क्रॉप। तो होप आपको मैन्यूर का क्लियर हुआ होगा। और मैन्यूर की एक खासियत है डियर स्टूडेंट कि इसमें कोई भी जो है केमिकल सब्सटेंस नहीं होते, जबकि हम आगे देखेंगे फर्टिलाइजर कि फर्टिलाइजर जो है वो केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, इसलिए जो मैन्यूर का है यूज जो है वो इको फ्रेंडली है। दैट इज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट से डिकम्पोजिशन करके हम जो है खाद जो है तैयार करते हैं। जैसे यहाँ ये इमेजेस आप देख पा रहे हैं। अब एडवांटेजेस की बात करें, जैसे मैंने कहा कि जो मैन्यूर है ये सॉइल इनरिचमेंट करता है, सॉइल को रिप्लीनिश करता है विद द न्यूट्रेंट्स। डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रेंट्स रिलीज होते हैं दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल। इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या है इसका कि इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो भी स्ट्रा, लिटर, काउडंग जो है जब वो डिकम्पोज होता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है सॉइल को, ह्यूमस। ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या बोला जाता है, ह्यूमस। और ह्यूमस से क्या होता है सॉइल का फिजिकल स्ट्रक्चर भी जो है इंप्रूव होता है, सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। माय डियर स्टूडेंट जैसे सैंडी सॉइल में अगर ह्यूमस हम अगर उसमें डालेंगे तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। देन यहां एग्जांपल दी गई है क्ले सॉइल, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जब इंक्रीज करेंगे, ह्यूमस जो है हम मैन्यूर डालेंगे तो उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होगी, वाटर जो है इकट्ठा नहीं होगा उसमें। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द मैन्यूर। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज मैंने कहा इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से है जो रिसाइकल हो सकता है, जो डिकम्पोज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इट इज इको फ्रेंडली है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। ऑन द अदर हैंड जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो हमारे जो है इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, इट कॉज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और भी बहुत से जो है उनके ड्रॉबैक्स हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द मैन्यूर। होप आपको ये मैन्यूर का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। देन द टाइप्स ऑफ मैन्यूर ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल, के किस मटीरियल से हम जो है मैन्यूर तैयार कर रहे हैं, मैन्यूर को हम क्लासीफाइड करते हैं इनटू फॉलोइंग सब टाइप। दैट इज फार्म यार्ड मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। फार्म यार्ड मैन्यूर क्या हुआ, जैसे मैंने कहा लिटर, जो भी लाइफ स्टॉक का वेस्ट है उसको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं किसी एरिया में जब हम डंप करते हैं, दैट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर। देन द ग्रीन मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर कभी कभार हम जो है क्या करते हैं क्रॉप को जो है ग्रीन मैन्यूर प्रोवाइड करते हैं, उसमें ऐसे प्लांट्स को जो है सो करते हैं जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रॉप्स को, एंड दीज प्लांट्स एक्ट एज ग्रीन मैन्यूर। जैसे ग्वार हो गया, सनहम हो गया, तो ये क्या है असेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रॉप्स को एंड एक्ट एज ग्रीन मैन्यूर। देन कम्स द कंपोस्टिंग एंड द वर्मी कंपोस्टिंग, ये दोनों जो है इंटरलेटेड है माय डियर स्टूडेंट। कंपोस्टिंग क्या है, जब भी सॉलिड वेस्ट ऑफ एनिमल्स, सीवेज, लिटर, जो भी हम जो है इकट्ठा होता है वेस्ट, उसको डंप करते हैं एक पिट में जो है उसको डंप करते हैं। पिट जो है इको फ्रेंडली भी हम बना सकते हैं, वुडन पिट भी बना सकते हैं। तो उसमें जब डंप करते हैं तो ऊपर से उसको जो है सॉइल डाल देते हैं। जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है, मीन सड़ता गलता है, वो डिकम्पोजिशन होती है और एक जो है खाद तैयार होती है जिसको क्या बोला जाता है, कंपोस्ट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंपोस्टिंग। एंड इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द न्यूट्रेंट टू द सॉइल, क्योंकि इस कंपोस्ट में जो है असेंशियल न्यूट्रेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं इस ऑर्गेनिक वेस्ट को, और देयर इज प्रेजेंस ऑफ असेंशियल न्यूट्रेंट। देन कम्स द वर्मी कंपोस्टिंग, जब हम कंपोस्टिंग करवाने के लिए अर्थवर्म का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट
पॉइंट इज टू बी नोटेड, जब कंपोस्टिंग में हम क्या यूज करते हैं, टू हेस्टन, जब उसको तेज करने के लिए, हेस्टन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, हम जो है अर्थवर्म यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग। उसको क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। अक्सर जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग, तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या हुआ कि डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग। तो होप आपको ये टाइप्स ऑफ मैन्योर स्पीच जो है क्लियर हुआ होगा। तो ये जो है इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि फार्म यार्ड मैन्योर में क्या काम करते हैं हम, डीकम्पोज्ड मैटर ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा यूरिन अलोंग विद लेफ्ट ओवर लिटर को जब डीकम्पोज करवाते हैं तो जो वो हमारी खाद बनती है, दैट इज द फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट मैंने बताया कि काउडंग जो भी वेस्ट है उसको जब हम डीकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए पिट, और उसको क्या बोला जाता है, कंपोस्ट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। जैसे मैंने कहा कि कंपोस्टिंग प्रोसेस इन विच अर्थवर्म आर यूज्ड टू डिग्रेड और डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। देन द ग्रीन मैन्योर्स की बात की हमने कि सन हेम्प और गुआर प्लगिंग की जाती है मिक्स विद द सॉइल एंड दे प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। फॉर एग्जांपल गुआर और सन हेम्प की हमने बात की क्योंकि ये प्रोवाइड क्या करते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस विच इज द मेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो होप आपको ये जो है मैन्यूर का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। देन कम्स द फर्टिलाइजर। ऑन कंट्रेरी टू मैन्यूर, मॉडर्न वर्ल्ड में जो है फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजर बेसिकली क्या है, दीज आर द कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रेंट्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में केमिकली सिंथेसाइज करके इनको जो है तैयार किया जाता है एंड दे आर इनऑर्गेनिक साल्ट्स। और मोस्टली इनमें जो है मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रेंट्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, NPK। तो इसी बेस पे जो है हम इनको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक एंड द पोटाशिक। जैसे नाइट्रोजीनियस में हम जो है यूरिया कॉमनली यूज करते हैं, अमोनियम आयन यूज करते हैं, फॉस्फेट में सुपर फॉस्फेट और पोटाशिक में पोटाशियम जो है हम यूज करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर्स का क्या, डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स जो है हमें जो है इनकी एडवांटेजेस भी हैं शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए जो है हार्मफुल हैं। हार्मफुल कैसे हैं डियर स्टूडेंट, कि ये केमिकली सिंथेसाइज जो हैं, केमिकली प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल की मदद से ये तैयार किए गए हैं। और ये क्या करते हैं, और जब भी फार्मर इनको यूज करे तो एक तो इनकी जो है हाईली कॉस्टली है, इन कंपैरिजन टू मैन्यूअर ये जो है हाईली कॉस्टली है, और दूसरा ये केमिकली सिंथेसाइज हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को जो है पल्यूट करते हैं। जैसे अगर जैसे जितने ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे और वो वॉश्ड होंगे विद द वाटर एंड दिस लीड्स टू वाटर पोल्यूशन काज करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक क्राइटेरिया है इनके यूज का कि एक पर्टिकुलर डोज चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे जो है फर्टिलाइजर को यूज करना है। हालांकि शॉर्ट टर्म इनके बेनिफिट्स हैं कि हाईली प्रोडक्शन में जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, बट लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं ये हमारे नेचर को जो है हार्म कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये सॉइल फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को अंडरगो करते हैं, ये फर्टिलाइजर उनके लिए हार्मफुल है, उनको किल करते हैं। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी आल्सो। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स का जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, बट लॉन्ग टर्म इट इज हार्मफुल टू अवर इन्वायरमेंट, इट इज नॉट इको फ्रेंडली। सो इट इज इसलिए हमें जो है कम से कम मिनिमम यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर्स का, और हमें ज्यादा जो है मैन्यूअर जो है ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज करना चाहिए इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, जिससे हमारा जो है नेचर जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है
सस्टेनेबल एनवायरमेंट रहे। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। देन यू हैव टू कंपेयर बिटवीन मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब दोनों चीजें हमने पढ़ ली हैं, यू कैन इजिली कंपेयर और डिफरेंशिएट। मैन्यूअर नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम तैयार करते हैं, जिसमें काउ डंग वेस्ट, लिटर हो गया, सीवेज हो गया, इनकी डिकम्पोजिशन करवा के जो है हम खाद तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैन्यूअर। ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजर्स आर द केमिकली प्रोड्यूस सब्सटेंस। और मैन्यूअर्स में जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, एंड फर्टिलाइजर्स आर रिच इन पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देन एज फॉर एज द फंक्शन फंक्शन कंपेरिजन इज कंसर्न, मैन्यूअर जो है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ये सॉइल स्ट्रक्चर को भी इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने देखा कि ह्यूमस की एडिशन से क्या होता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज होती है और सॉइल जो है फर्टाइल रहती है। जबकि फर्टिलाइजर जो है ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को। मैन्यूअर इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि ये जो है बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसलिए ये जो है एक्सेसिव यूज जो है इनका हार्मफुल है फॉर अवर इन्वायरमेंट। मैन्यूअर जो है चीप है, इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं हम रूरल एरियाज में, वेयर एज फर्टिलाइजर जो है कॉस्टली है और ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाते हैं। तो इस तरह से और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपने जो है एड ऑन करने हैं बिटवीन मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। देन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी माय डियर स्टूडेंट जिसमें हम कम से कम जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, दैट फार्मिंग इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है हम यूज करते हैं, मैन्युअल यूज करते हैं उसमें, और उस फार्मिंग को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है और हमारी इंडिया में जो है नंबर वन स्टेट जो है डिक्लेयर किया गया है सिक्किम को। सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारी, उसमें जो है वो नंबर वन लीड कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब क्या है बेनिफिट ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये हमारे लिए काफी जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इससे जो है हार्मफुल पेस्टिसाइड केमिकल्स जो क्रॉप्स में लगे होते हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग उससे डिवाइड होती है, मींस उससे फ्री होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और इसमें जनरली हम क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या है कि ऑर्गेनिजम्स का यूज करना, दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इसमें टिपिकल एग्जांपल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया जो है उनको हम ऐड करवाते हैं इन द सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे टिपिकल एग्जांपल है एजोला एनाबिना, पैडी फील्ड इस वक्त जो है सीजन में है, खरीफ क्रॉप जो है इस वक्त कल्टीवेट की हुई है हमने, तो एजोला एनाबिना की एसोसिएशन क्या करती है पैडी फील्ड्स में जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। कैसे करती है, बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करती है और नाइट्रेट जो है क्रॉप को अपटेक करवाती है, जो हमने जो नाइट्रोजन साइकिल में प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है। देन कम्स सर्टन फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। इसमें टिपिकल एग्जांपल है राइजोबियम की और एजिटोबैक्टर की। तो इन सब का यूज करके बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उस फार्मिंग को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे मैंने कहा कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है क्योंकि इसमें जो है ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर्स को हम यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, और क्रॉप्स जो ऑब्टेन होती हैं थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग दे आर फ्री फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स एंड द टॉक्सिक केमिकल्स।
जो टॉक्सिक केमिकल से फ्री होती हैं वो क्रॉप्स तो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और जो भी वेस्ट जो है इससे तैयार होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस कि हमें जो है इसकी तरफ जो है मोटिवेट होना है, वी हैव टू डू द ऑर्गेनिक फार्मिंग ताकि हमारा जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट रहे। तो होप आपको ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। देन द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, डिफरेंट कैसे कैसे हम जो है क्रॉपिंग कर सकते हैं टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉपिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें तीन डिफरेंट टाइप से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है डियर स्टूडेंट? इट इज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड, एक ही लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप जब हम उगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग एज द नेम इंडिकेट। जैसे वीट के साथ हम जो है ग्राम को उगा सकते हैं, वीट के साथ मस्टर्ड को उगा सकते हैं, और ग्रोनट के साथ जो है हम सनफ्लावर को भी जो है कल्टीवेट कर सकते हैं। तो दिस क्रॉपिंग इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होगा, इसमें जो है रिस्क रिड्यूस हो जाता है एंड गिव इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अगर दोनों में से कोई एक क्रॉप फेल भी हो जाती है तो किसान को जो है लॉस नहीं होता, उसमें एक सिक्योरिटी रहती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। देन कम्स द इंटरक्रॉपिंग। ये भी ग्रोइंग ऑफ वन और टू क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड बट इन ए डेफिनेट मैनर। जैसे आप यहाँ मैनर्स देख पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। जैसे सोयाबीन और मेज की क्रॉप्स को जो है आप इंटरक्रॉपिंग एक ही पैटर्न में जो है उसको सो कर सकते हैं। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में इसमें जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाती है न्यूट्रंट्स की साइल में। जैसे पर्टिकुलर क्रॉप आप लगाएंगे तो पर्टिकुलर न्यूट्रंट जो है अपटेक होगा, रेस्ट ऑफ द न्यूट्रंट्स जो है अपटेक नहीं होंगे। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाती है, जितने न्यूट्रंट्स जो है अवेलेबल हैं वो यूटिलाइज करता है प्लांट्स, और स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज भी नहीं होती। अगर एक पर्टिकुलर डिजीज को कोई इंसेक्ट जो है वो डिजीज कॉज करता है तो दूसरी क्रॉप जो है वो उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से जो है हमारी जो है प्रोडक्टिविटी जो है इनहांस होती है बाय दिस मेथड। देन कम्स द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न डियर स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, डिफरेंट क्रॉप्स को हमने ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल जो है रिपीटेशन नहीं करनी, एक क्रॉप लगानी है उसके बाद जो है दूसरी क्रॉप लगानी है ताकि जो साइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिगुमिनस क्रॉप्स जो है आप जो दालों की क्रॉप्स हैं, दालें पल्सीज हो गई, उनको ग्रो करवाती हो तो उसके बाद जो है आपने सीरियल्स की तरफ शिफ्ट होना है, जिससे जो है मैक्सिमम जो है न्यूट्रंट्स की अब्सॉर्प्शन हो सके साइल्स में, और साइल वापस जो है अपने न्यूट्रंट्स को रीगेन कर ले, रिप्लीनिश कर ले, जिससे साइल की फर्टिलिटी जो है डिक्रीज ना हो। अगर क्रॉप रोटेशंस को हम प्रॉपरली डन करते हैं, टू और थ्री क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द ईयर प्रॉफिटेबली। तो दो तीन क्रॉप्स जो है हम पर ईयर जो है ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें साइल की फर्टिलिटी जो है वो रीगेन रहती है, और फर्टिलाइजर्स का जो है मिनिमम यूज हमें करना पड़ता है, क्योंकि जैसे एक क्रॉप उगाई तो उसमें जो है कुछ न्यूट्रंट्स यूज हुए, देन दूसरी क्रॉप तो उसमें जो है रेस्ट ऑफ द न्यूट्रंट्स को वो जो है अब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से साइल की फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होगी और पेस्ट एंड वीड से भी जो है क्रॉप हमारी बची रहेगी। तो जैसे यहाँ क्रॉप रोटेशन डिफरेंट जो है एक पैटर्न बताया गया है कि ऐसे ऐसे जो है क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप तीनों में कि मिक्स क्रॉपिंग क्या है, टू आर मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड्स, उसको मिक्स्ड, और इंटरक्रॉपिंग इन ए डेफिनेट मैनर, एंड क्रॉप रोटेशन अल्टरनेट मेथड्स में हमने क्रॉप को जो है ग्रो करवाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉपिंग पैटर्न में जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन कम्स द इरिगेशन। इरिगेशन क्या है डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर आर्टिफिशियली टू द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। अब इरिगेशन जो है वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप्स को
आर्टिफिशियली बिसाइड्स द रेन वाटर, और ये कैसे जो है हमें इरिगेशन वेरियस मेथड्स क्या है जिससे हम इरिगेशन करवाते हैं क्रॉप्स को, बाय मीन्स ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, चेक डैम्स. सो दीज ऑल आर द मेथड्स दैट लीड्स टू इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, बिकॉज हम जानते हैं कि वाटर इज वेरी इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो सोर्सेज हैं या मेथड्स हैं जिनसे हम जो है इरिगेशन को अंडरगो करते हैं, दैट इज वेल्स. वेल्स ज्यादातर जो है यूपी, बिहार, इस एरियाज में जो है इरिगेशन जो है थ्रू वेल्स से की जाती है. और वेल्स में क्या है, वेल्स का ड्रॉबैक्स है कि एक पर्टिकुलर एरिया को ही आप इरिगेट कर सकते हैं. देन कम्स द ट्यूब वेल्स. ट्यूब वेल्स जो है ये एक मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी है जिसमें डीप डग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो है मैकेनिकल एनर्जी, उसको वाटर को जो है निकाला जाता है. एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल क्योंकि इसमें जो है वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है, और ज्यादातर ये ट्यूब वेल्स उन एरियाज में जो है सक्सेसफुल है जहां ग्राउंड वाटर की जो है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, जहां ग्राउंड वाटर का जो है रेशियो हाई है, तो वहां एक इंडिपेंडेंट सोर्स मिल जाता है फार्मर्स को, तो इजिली अपनी क्रॉप्स को जो है इरिगेट कर सकता है. देन कैनाल्स. कैनाल सिस्टम जो है इंडिया में फेमस है फॉर इरिगेशन. रिवर से कैनाल्स बनाई जाती हैं और जो क्रॉप्स को इरिगेट करती हैं. कैनाल सिस्टम का ये बेनिफिट है कि ये पेरिनियल्स रहती हैं, क्योंकि कुछ रिवर सिस्टम्स हमारे जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये सारे जो है पेरिनियल्स हैं, सदाबहार हैं, तो कैनाल सिस्टम के थ्रू जो है इरिगेशन जो है काफी जो है बेनिफिशियल है हमारे लिए. जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ट्यूबवेल्स भी देख पा रहे हैं. देन कम्स द ड्रिप इरिगेशन. जैसे ये पिक्चर आपको यहाँ नजर आ रही है ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि पर्टिकुलर एट द साइट जो है इरिगेशन प्रोवाइड करनी प्लांट्स को, जैसे यहाँ पाइप्स के जरिए जो है एट द रूट, रूट लेवल पे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जब हम प्लांट्स को इरिगेट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन, और दिस मेथड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. देन कैनाल सिस्टम आपके सामने है. उसके बाद कैनाल सिस्टम जिसके जरिए हम जो है अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करती हैं. देन द स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर इरिगेशन ज्यादातर आप देखते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन आपको ऐसे नजर आ रहा है कि जस्ट लाइक रेन, जैसे रेन हो रही है वैसे शॉवर मैकेनिज्म से जो है क्रॉप्स को इरिगेट करना. और मोस्टली ये जो दिस टाइप्स ऑफ इरिगेशन हमें कहां ऑर्चिड्स में मिलेगा, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फील्ड्स में मेथड ऑफ इरिगेशन देखने को मिलेगा. गोल्फ कोर्स में अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे स्प्रिंकलर मैकेनिज्म जो है हम अपने गार्डन लॉन्स में यूज कर रहे हैं आजकल, तो दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर इरिगेटिंग अवर क्रॉप्स. सो दीज आर द डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स. होप आपको ये भी क्लियर हुए होंगे. एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे मैंने कहा कि वाटर इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वाटर जो है प्लांट्स को चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस, और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हमारी क्रॉप्स को प्रोवाइड करता है. सीड को जब हम सो करते हैं तो उसको वाटर चाहिए फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड, क्योंकि वाटर जो है उसकी आउटर लेयर को सॉफ्टन करता है, दैट लीड्स टू जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. तो क्रॉप जर्मिनेट करेगी विद द हेल्प ऑफ वाटर. और मोस्ट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो साइल में, जैसे हमने माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, तो साइल में अवेलेबल रहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है वो डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो मिनरल एलिमेंट्स उसमें डिजॉल्व होते हैं, और थ्रू ऑस्मोसिस जो है रूट्स के जरिए प्लांट उनको ऑब्जर्व करता है, और फिर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द इरिगेशन. दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन. इसमें जो है आपने डिफरेंट जो है क्रॉप प्रोडक्शन के मैकेनिज्म देखे, जिसमें हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को जो है टेकअप किया, मैन्योर्स की टाइप्स देखी, फर्टिलाइजर्स की टाइप देखी, क्रॉपिंग पैटर्न्स देखा, और लास्ट में हमने जो है इरिगेशन और उसके मेथड्स भी देखे.
तो इन सबको जो है आपने पेन डाउन करना है, कंपैरेटिव अकाउंट से पढ़ना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर, उनका कंपैरेटिव अकाउंट देखना है। क्रॉपिंग पैटर्न में जो है कंपैरेटिव अकाउंट जो है पेन डाउन करना है, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है इनके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर